नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 19 मई भाषा शहीद दिवस के अवसर पर पूरे बाराघाटी के लोगों के बीच एक दुखद माहौल उभर कर आता है। हर साल 19 मई को अमर शहीदों की याद में लोग श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। गौरतलब है कि सन 1961 के भाषा आंदोलन के दौरान कुल 12 लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे और शहीद भी हुए थे। 11 शहीदों के बाद एक और शहीद का भी शिनाक्तकरण किया गया था। 12 शहीदों की याद में पूरे बराक वैली में विभिन्न क्षेत्र में निजी संस्थान, शिक्षा प्रतिष्ठान, निजी संगठन तथा कई संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीदों को याद किया जा रहा है। सिलचर की रेलवे प्लेटफॉर्म यानी भाषा शहीद स्टेशन में कई संगठन कार्यकर्ताओं के साथ साथ सिलचर के सांसद राजीव राय, आबकारी व मीन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लवेद, विधायक दिलीप पाल व दूसरे कई दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में शहीद स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया व अमर शहीदों को सलामी प्रदान किया गया। अपने वक्तव्य में वक्ताओं ने कहा कि भाषा शहीद लोगों का बलिदान यूं ही नहीं जाएगा, इस क्षेत्र में हर प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन मंत्री परिमल शुक्लवेद तथा सांसद राजीव राय ने अपने वक्तव्य पेश किए। প্রায় 59 বছর ধরে 1971 পরে আমরা বাংলা ভাষার 11 জন শহীদের স্মরণে আমরা এই অঞ্চলে এসে তাদের স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছি। আর এই মহামারীর মধ্যে তাও আমার দেখতে ভালো লাগছে যে কলকাতারা এসছে আর শ্রদ্ধা জানাতে, আর আমাদের এই অঞ্চলের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য থেকে আরম্ভ করে ডেপুটি কমিশনার, এমএলএ, দিলীপ পাল, আমরা সবাই আমার সঙ্গে ওনার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক উনি আছে, অন্যান্য ব্যানার্জি এখানে আছেন, আমরা সবাই মিলে আজকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছি। আর আমরা আশা করি যে বাংলা ভাষার রক্ষার্থে এই যে চেতনাটা, চেতনাবোধ থাকবে